दोस्तों आज द शार्क में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आज द शार्क में जुड़ रहे हैं सीएमओ एंड को फाउंडर ऑफ बोट मिस्टर अमन गुप्ता। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो राहुल वासा। सर नीरेन भवसर अहमदाबाद से आपसे सवाल करते हैं कि माई सेल्फ नीरेन भवसर फ्रॉम अहमदाबाद राइट नाउ 38 आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर लाइक यू गाइज बट डोंट हैव इनफ करेज टू स्टार्ट समथिंग न्यू। ऑल्सो आई हैव अ फैमिली विद टू किड्स और उन लोगों के बारे में सोचता हूँ तो और हिम्मत नहीं होती है। हाउ डू यू मैनेज अ बिजनेस बीइंग अ पेरेंट टू टू किड्स? गुड क्वेश्चन, बट इस सवाल का आंसर इतना इजी नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं। अब अगर इफ यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर और आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की और फैमिली की, तो आप नहीं छोड़ सकते। आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा या फिर थोड़े पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, थोड़ा सेविंग करनी पड़ेगी, तब स्टार्ट करो। अगर कोई ऐसा आइडिया अच्छा आए तो किसी एंजल इन्वेस्टर के पास जाओ जो आपको उसको बताओ आपकी सिचुएशन की, आपको सैलरी भी दे थोड़ी। बट अगर सब कुछ ठीक है और आप कर सकते हो तो ये मत सोचो कि बिजनेस चलाना इजी है। लगता इजी है, है नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, आज 3 साल से कह रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मेरी वाइफ के साथ, 1 समीर के साथ। वो बोट है, वो मेरे बच्चे की तरह है और उसको पालने में उतना ही टाइम लगता है, उतना ही मेहनत, उतनी ही एफर्ट लगते हैं। तो जैसे अदा मेरी जो फर्स्ट डॉटर है उसमें मेरी वाइफ ने बहुत टाइम स्पेंड किया है अदा को ग्रो करने में और मैंने उस टाइम पर बोट ग्रो करने में टाइम स्पेंड किया है। तो बिटवीन द पार्टनर्स ऑल्सो यू हैव टू सी विच रोल हु हैज टू परफॉर्म। बट ये इतना ईजी आंसर नहीं है। तो अपनी अपनी परिस्थितियां देखने के बाद इसका जो आपके लिए ठीक है वो करो।